आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। तो ये चैप्टर आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का और वीडियो को एंड तक देखने का। तो ये जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, इसके राइटर है विलियम डगलस और इस चैप्टर के अंदर वो अपनी कहानी बताते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है वो लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन बुक में से, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे अंदर का डर होता है उस पर हमें काबू पाना चाहिए और किस तरीके से जो विलियम डगलस है वो अपने जो अंदर का डर होता है, उनका जो स्विमिंग का डर होता है, उससे वो काबू पाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो जो विलियम डगलस है, जो अपना पानी का डर होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पानी के डर के ऊपर काबू पाया। और ये भी बताया गया है कि किस तरीके से पानी के डर की वजह से उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और तो और इस चैप्टर के अंदर ये मैसेज दिया गया है कि डर होना स्वाभाविक है, डर हमें किसी भी चीज़ से लग सकता है, लेकिन उस डर पर काबू पाना वो हमारे ही हाथ में होता है। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है विलियम डगलस, तो जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने ये तय किया कि मुझे तैरना सीखना है। स्विमिंग सीखने के लिए ऑथर ने क्या है YMCA का जो स्विमिंग पूल है उसको चुन लिया कि मैं यहाँ पर स्विमिंग सीखूंगा। YMCA की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये जो YMCA का स्विमिंग पूल था वो क्या है, एक तरफ से तो 3 फीट गहरा था और दूसरी ओर क्या है 9 फीट गहरा था। ये आंकड़े याद रखना। अब जो ऑथर थे वो क्या है वाटर विंग्स होते हैं उनके सहारे तैरता था, ठीक है। और अपनी पतली टांगों के कारण क्या है वो पूल के किनारे चलने में बहुत शर्माता था, उसे बहुत शर्म आती थी। अब विलियम डगलस जो है वो स्विमिंग तो सीखना चाहता था, लेकिन उसके मन में क्या है 4 साल की उम्र से ही पानी का डर बैठ गया था। एक बार की बात है जब उसके पिता उसे क्या है कैलिफोर्निया बीच के ऊपर ले जाते हैं, तो विलियम डगलस क्या है अपने पिता के साथ में समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। तो क्या होता है कि एकदम से समुद्र की लहर आती है और विलियम डगलस को डुबा देती है। उनको कई देर तक तो क्या है सांस ही नहीं आता और उस दिन से उनके मन में क्या है पानी का डर बैठ जाता है। अब भले ही YMCA ने विलियम के बचपन के डर को दोबारा जगा दिया, लेकिन उसने सीखना जारी रखा। विलियम ने दूसरे लड़कों की नकल करना शुरू कर दी और 2 या 3 दिन स्विमिंग लेसन्स के बाद में उसे थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया था। अब विलियम को लगता है कि उसने अपने पानी के डर के ऊपर काबू पा लिया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। YMCA के अंदर उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या दुर्घटना होती है। एक दिन जब विलियम तैरने गया तो पूल में कोई नहीं था। वो अकेला पूल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने पूल के किनारे बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। तो जब विलियम इंतजार कर रहा था कि कोई आए फिर मैं उसके साथ स्विमिंग सीखूं, तब एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का वहां पर आता है और उसने बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे विलियम को उठाया और पूल की जो 9 फीट वाली गहरी साइड थी उसके अंदर डाल दिया। अब ये आप लोग अपने ऊपर सोच के देखो कि आप आराम से पूल की साइड पे बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो कि कोई आए मैं उसके साथ स्विमिंग सीखूं, और इतने में एकदम से कोई आता है और आपको गहरी साइड में फेंक देता है पूल की, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो जब उस लड़के ने विलियम को पूल में फेंका तो वो बैठने की पोजिशन में पूल के तल पर पहुंच गया, यानी कि उसके बेस के ऊपर पहुंच गया। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब वो पूल में नीचे जा रहा था ना, तब उसने अपने दिमाग में एक आइडिया लगा लिया था, एक स्ट्रैटेजी बना ली थी। देखो ये कितना स्मार्ट लड़का है, ये पूल में नीचे जा रहा है, उसमें डूबता हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बना रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपने होश खो दिए हूँ। तो उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि जब उसके पैर नीचे पूल के बेस पर लगेंगे तब वो क्या एक बड़ी सी ऊपर की ओर छलांग लगाएगा, और जब वो नीचे से एकदम ऊपर की ओर छलांग लगाएगा तो इससे क्या होगा कि वो एकदम सतह पर आ जाएगा पानी की, और पानी के ऊपर एकदम स्पॉट लेट जाएगा। और जब वो पानी के ऊपर आ जाएगा तो वो क्या है धीरे धीरे पूल के किनारे तैर कर चला जाएगा। तो ये उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो पूल के जो बेस तक का रास्ता था वो बहुत लंबा था, वो 9 फीट गहरा था। अब विलियम को वो 90 फीट जितना महसूस हो रहा था, और जब उसके पैर पूल के बेस तक
पहुंच गए तो उसने पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर छलांग लगाई। देखो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि आपके आंखों के सामने वो चीज़ हो रही है। तो जब उसने पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर छलांग लगाई तब वो क्या है, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सिर्फ हल्के पीले रंग का पानी ही दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे वो ऊपर आने लगता है तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और अनियंत्रित तरीके से हाथ पैर हिलाने लगता है। फिर वो कोशिश करता है कि वो क्या है, अपने पैर पानी के ऊपर लाए, लेकिन अब उसे ऐसे लग रहा था उसके पैर क्या है एकदम से जम गए हैं, मानो उसके पैरों को लकवा मार गया हो। और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई चीज उसके पैरों को नीचे की ओर से खींच रही है। अब धीरे धीरे विलियम क्या है फिर से पूल के बेस की ओर जाने लगता है। उसकी सांसें फूल रही थी, उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था और अब वो क्या है बेहोश होने लग गया था। लेकिन फिर भी उसे अपनी स्ट्रैटेजी याद थी कि उसे क्या करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लड़का पहले ऑथर को क्या है धक्का दे देता है पूल में, तो पूल के वो बेस की ओर ऑथर जा रहा होता है तो वो क्या है बीच में ही अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है कि उसे क्या करना है। फिर वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लेकिन अब वो वापस फिर से धीरे धीरे पूल के अंदर डूब रहा होता है। नीचे जाते समय एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया और वो कांपने लगा। उसका शरीर पैरालाइज हो गया था, यानी कि उसका कुछ भी हिलडुल नहीं रहा था, केवल उसका दिल और सिर तेजी से धड़कने लगे। अब उसे क्या है अपनी पहली वाली स्ट्रैटेजी याद आती है और जैसे ही उसके पैर पूल की टाइलों से टकराए उसने अपनी सारी शक्ति लगा करके ऊपर की ओर छलांग लगाई। लेकिन दो बार ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो क्या है पानी में ही था। फिर वो कांपने लगा और मदद के लिए अपनी माँ को पुकारने लगा। जैसे ही उसका चेहरा पानी से बाहर आने लगा उसे कुछ प्रकाश देखकर, रोशनी देखकर आश्चर्य हुआ। उसने क्या है सांस लेने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह में पानी चला गया। लेकिन दो बार कोशिश करने के बाद सारी कोशिशें बंद हो गई और उसके दिमाग पर एक धुंधलापन छा गया। सब कुछ शांत था, चारों जगह क्या है शांति ही शांति थी। अब उसे कोई डर नहीं था क्योंकि अब वो क्या है पूल में ही बेहोश हो गया था, तो उसे कोई डर नहीं था। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया से कहीं पार चला गया हो या मर गया हो, लेकिन असल में मरा नहीं था। जब उसने अपनी आँखें खोली तो वो क्या है पानी से बाहर था और उल्टी कर रहा था, और जिस लड़के ने उसे पूल में फेंका था वो उसे के पास खड़ा था और वो विलियम से कह रहा था कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ क्या है शरारत कर रहा था, मजाक कर रहा था। और उस दिन के बाद में उसे क्या है पानी से और ज़्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि पहली बार तो डर उसको जब लगा था तब वो क्या अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था, और अब उसे क्या है दूसरी बार बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था उसके मन में पानी को लेकर। अब जितना भी उससे पॉसिबल हुआ वो पानी की चीज़ों से दूर ही रहा, उसने पानी से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं की। और उसे पानी से इतना ज़्यादा डर लगने लग गया था कि वो कनोइंग और फिशिंग के लिए लेक्स पे नहीं जाता था, और अगर वो लेक्स पर जाता तो उसको वही आतंक वापस आकर उसके शरीर और दिमाग को जकड़ लेता था। उसे इस डर को दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब विलियम सोचता है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे अपने डर पर काबू पाना है, और फाइनली उसने अपने डर पर काबू पाने का फैसला लिया और अक्टूबर के महीने में एक ट्रेनर को हायर किया जिससे वो क्या है स्विमिंग सीख पाए, और उसने अक्टूबर में ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और विलियम ने क्या है एक हफ्ते में 5 दिन और हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। तो ट्रेनर ने क्या किया, विलियम के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, और ये जो बेल्ट है वो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी, और जो दूसरी ओर थी रस्सी की वो ट्रेनर के हाथ में थी, और ये जो रस्सी थी बीच में से एक चरखी में से निकल रही थी जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, और इससे स्विमिंग सीखना और ज्यादा आसान बन गया था। और विलियम दिन भर दिन और सप्ताह दर सप्ताह पूरे पूल के चक्कर जाता रहा। जब भी विलियम पानी के नीचे जाता तो थोड़ा सा उसका पुराना डर वापस आ जाता था, लेकिन अब वो अपने पुराने डर से घबराता नहीं, उसका सामना करके फिर से स्विमिंग शुरू कर देता। और इस पानी के डर पर काबू पाने के लिए उसे 3 महीने की प्रैक्टिस लगी, और अब उसके पैर पानी में पैरालाइज भी नहीं होते थे। देखो उसने अक्टूबर में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अप्रैल के महीने में ट्रेनर उससे कहता है कि अब तुम क्या है पूल में अकेले तैरने के लिए तैयार हो, अब तुम्हें स्विमिंग अच्छे से आ चुकी। विलियम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है, इसलिए उसने अकेले ही पूल में तैरना शुरू कर दिया, और ऐसा उसने जुलाई तक किया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डर बाकी था। और फिर विलियम एक दिन क्या है स्विमिंग करने के लिए न्यू हेमिस्फीयर नाम की एक जगह होती है वहां पर लेक वेंटवर्थ में गया, और उसने क्या है टिग्रिस आइलैंड पर गोते लगाए, और झील के पार एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड है वहां तक 2 मील तैर कर गया। लेकिन वह पुराना डर एक बार फिर
फिर से लौट आया जब वो झील के बीच में था। जब उसने पानी के अंदर देखा तो वहाँ केवल गहरा काला पानी ही था, लेकिन इस बार उसने डर का सामना किया और तैरता रहा। तो मैं आपको कुछ प्लेसेस के नाम बताऊँगी कि कहाँ से लेकर वो कहाँ तक तैर कर गया, तो आप लोग क्या इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये सिर्फ प्लेसेस के ही नाम हैं। तो टियाटन नाम का अमेरिका में एक शहर है, तो उसमें जो कॉनराड मेडोज़ है, जो एक घास का मैदान है, वहाँ से लेके कॉनराड क्रीक ट्रायल से होते हुए वो मेडो ग्लेशियर तक पहुँचा और वॉर्म लेक के पार तैर कर दूसरे किनारे गया और वापस आ गया। लास्ट में उसे विश्वास हो गया कि अब उसने पानी के डर को दूर कर लिया है। तो यही था आपका चैप्टर, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से डर का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डर कर रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ऊंचाइयों से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पर बोलने से डरते हैं, लेकिन किसी को भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि डर का डट कर सामना करना चाहिए। यही था आपका पूरा चैप्टर। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बाकी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो।